हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की शुरुआत करने वाले प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर वन में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था इस लेक्चर का बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा था बहुत सारे टर्म थे जैसे होम्योस्टैसिस कोऑर्डिनेशन इन सब टर्म का मतलब क्या होता है ये सारी बातें हमने की थी अब यहाँ से मेन हमारा जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है ठीक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ठीक चलिए तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं देखिए स्टूडेंट जैसी आप इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस चैप्टर का उसको कंप्लीट करोगे तो आपके सामने जो अगला टॉपिक आएगा वो है ये न्यूरल सिस्टम और उसके बाद आएगा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ठीक है एक बार हम दोनों को अच्छे समझते पहले हम न्यूरल सिस्टम को पढ़ते फिर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे तो इन जनरल अगर मैं न्यूरल सिस्टम की बात करूं न्यूरल सिस्टम बोल लो या नर्वस सिस्टम बोल लो एक ही चीज़ है कहीं कहीं किसी किताब में न्यूरल लिख देते हैं किसी किसी किताब में नर्वस लिख देते हैं तो दोनों एक ही है तो देखो सबसे पहले न्यूरल सिस्टम टॉपिक जैसे आप पढ़ोगे ना 18.1 जो टॉपिक है 18.1 तो वहाँ पर एन क्या कहने की कोशिश कर रहा है एन क्या कर रहा है वो कंपेयर कर रहा है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हायर इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स इन तीनों को कंपेयर करके बता रहा है कि किसके अंदर ज़्यादा एडवांस्ड और किसके अंदर लेस एडवांस्ड एकदम सिंपल न्यूरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और हायर इन्वर्टिब्रेट्स को लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि हाइड्रा की अगर हम बात करें देखो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा हाइड्रा क्या है एक लोअर इनवर्टिब्रेट है इसके अंदर जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है ठीक है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ओनली कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ ठीक क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे ठीक नेटवर्क ऑफ न्यूरोस होता है देखो ये हाइड्रा है निडेरिया फाइलम के अंदर आते हैं निडेरियन होते हैं ठीक है इसके अंदर ऐसे आपको ये पूरा नेटवर्क दिख रहा है नर्व का या न्यूरॉन का ये है नर्व नेटवर्क या नेट नर्व नेट बोल लो या न्यूरॉन्स का ये नेटवर्क है ठीक है चलिए पूरा का पूरा यहाँ पे एक आपको नर्व नेट देखने को मिलेगा जो किसका बना होता है न्यूरॉन्स का बना होता है ठीक नर्व नेट किसका बना हुआ है न्यूरॉन्स का बना हुआ है सिर्फ न्यूरॉन्स ही है तो बहुत ही सिंपल वेरी सिंपल ठीक है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन जैसे ही हम हायर इन्वर्टिब्रेड्स में जाते हैं ठीक है एवोल्यूशन को देख रहे एवल्यूशनरी सीक्वेंस भी अपने दिमाग में रखिएगा लोअर इन्वर्टिब्रेड्स अब हम हायर इन्वर्टिब्रेड्स में जा रहे हैं मोर इवॉल्व होते हैं हायर इन्वर्टीब्रेड्स तो इनके अंदर आपको जो न्यूरल सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा तो देखो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स क्या है एक हायर इन्वर्टिब्रेड्स हैं ठीक है वेर अ ब्रेन इज़ प्रेजेंट इंसेक्ट में आपको ब्रेन देखने को मिलेगा साथ ही साथ बहुत सारे नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जैसे एक इंसेक्ट हम ग्रास हॉपर को लेते हैं ग्रास हॉपर क्या एक इंसेक्ट है एक हायर इन्वर्टिब्रेट है इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ब्रेन देखने को मिल रहा है ठीक है ये ब्रेन है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं तो देखो आपको हायर इन्वर्टिब्रेट में ब्रेन नजर आ गया लेकिन लोअर इन्वर्टिब्रेट में ब्रेन नहीं है बस न्यूरोन का एक नेटवर्क है जिसे हम नर्व नेट नाम से बुलाते हैं ठीक है चलिए तो या तो हमने लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट्स को कंपेयर किया अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो स्टूडेंट अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू लोअर एंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स ठीक है वर्टिब्रेट्स में आपको ज्यादा एडवांस्ड ज्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा जैसे हम अपनी बात कर ले हम ह्यूमन हम भी तो वर्टिब्रेट्स है राइट हमारे अंदर देख लो अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन न्यूरस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास तो ऊपर में सबसे पहले एक बड़ा सा ब्रेन है ठीक है खोपड़ी है ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड है ठीक है स्पाइनल कॉर्ड फिर नर्व्स भी प्रेजेंट होती है ठीक है नर्व्स भी प्रेजेंट होती है तो हमारे अंदर या तो फिर मैं कहूँ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो न्यूरो सिस्टम होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा चलिए अब आगे बढ़ते और एक टर्म बार बार आया है न्यूरॉन ठीक है न्यूरोन का मतलब समझते हैं थोड़ा एक बेसिक आइडिया लेते हैं ज़्यादा डिटेल में तो हम आगे जानेंगे तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड न्यूरोन का मतलब क्या होता है देखो जब आप एन में इस टॉपिक को पढ़ोगे तो सबसे पहला पैराग्राफ कुछ ऐसा रहेगा द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका न्यूरल सिस्टम इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स ठीक है न्यूरॉन्स आपको लोअर इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेंगे आपको हायर वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेंगे साथ ही साथ ये न्यूरॉन्स आपको वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेंगे तो जो न्यूरो सिस्टम होता है ऑफ ऑल एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर न्यूरो सिस्टम अगर है तो न्यूरोन्स होगा न्यूरोस जो होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये डिटेक्ट कर लेते हैं रिसीव कर लेते हैं एंड ट्रांसमिट कर लेते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिम्यूली स्टिम्यूली शब्द का मतलब यहाँ पर होता है सिग्नल से Stimuli का सिंगुलर टर्म है stimulus, stimulus ये सिंगुलर है ठीक है एक सिंगुलर Stimulus का मतलब क्या हो गया सिर्फ एक सिग्नल स्टिम्यूली का मतलब क्या हो गया सिग्नल्स ठीक है और राइट right, तो देखो जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या क्या कर सकती है इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके पास थ्री प्रॉपर्टीज होती है एक तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं ठीक है एक ये रिसीव कर लेते हैं और एक तो ये ट्रांसमिट भी कर लेते हैं किसको किसको सिग्नल्स को यानी कि स्टिम्यूली को डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्यूली को डिटेक्ट का मतलब यहां पर देखो क्या है न्यूरॉन्स कैन सेंस स्टिम्युलस जब हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स के पास प्रॉपर्टी है डिटेक्ट करने की सिग्नल की यानी कि न्यूरॉन्स के पास स्टिम्यूलस को सेंस करने की एबिलिटी है वो सेंस कर लेगा जैसे आप स्टिम्यूलिस भेजोगे डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल है जैसी उसको एक स्टिमुलस दिया आपने वो क्या हो गया एक्साइटेड हो गया यानी कि न्यूरॉन्स रिसीव करके एक्साइटेड हो जाते हैं यानी कि एक्साइटेबल न्यू एक्साइटेबल प्रॉपर्टीज़ है ना न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं राइट आप किसको एक्साइट कर सकते हो जो एक्साइटेबल है राइट right? तो न्यूरॉन्स क्या है एक्साइटेबल है रिसीव करता है स्टिमुलस को और एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद क्या करता है रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट भी करता है न्यूरॉन्स कैन कंडक्ट स्टिमुलस कंडक्ट भी करता है ठीक है तो एक तो डिटेक्ट कर लेगा स्टिमुलस को सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा कोई सिग्नल आप भेजोगे तो उसके बाद एक्साइटेड हो जाएगा यानी कि एक्साइटेबल होते न्यूरो रिसीव कर लिया रिसीव करने की क्षमता यानी कि एक्साइटेबल है ठीक है और साथ ही साथ उस स्टिमुलस को रिसीव करके क्या करेंगे ट्रांसमिट करेंगे कंडक्ट करेंगे ठीक है कंडक्शन करेंगे स्टिमुलस का तो ये तीन खास प्रॉपर्टीज़ है न्यूरॉन्स की जो आपको ध्यान में रखना है तो बेसिकली मैं सिंपली कह सकता हूँ कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है सेंस कर सकते हैं स्टिमुलस को ये एक्साइटेबल है तो इनके अंदर एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है रिसीव कर सकते हैं और एक्साइटेबल हो सकते हैं एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है साथ ही साथ ये न्यूरोस जो है कैन कंडक्ट स्टिमुलस यानी कि कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं स्टिमुलस को रिसीव करके डिटेक्ट करेंगे फिर रिसीव करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे उनको ट्रांसमिट भी कर देंगे कंडक्शन भी कर देंगे कंडक्टिविटी भी है तो ये तीन खास प्रॉपर्टीज़ है न्यूरॉन्स की जो आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर ये जो न्यूरल सिस्टम वाला टॉपिक है ये होता है कंप्लीट 18.1 इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे एन में तो आपको मिलेगा 18.2 पॉइंट टू जहाँ पर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात की गई है पूरा ह्यूमन न्यूरस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैं ज़्यादा आपको बोल के बोर नहीं करूँगा सीधा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ह्यूमन न्यूरस सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट अब हम शुरुआत करने वाले ह्यूमन न्यूरस सिस्टम की देखिए चलिए तो जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ह्यूमन न्यूरस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइडेड ह्यूमन नीरोस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजिशन कि कहाँ पे सिचुएटेड है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ह्यूमन नीरोस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है एक है सी एन एस और एक है पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम पी जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं इन दोनों को हम डिटेल में अभी समझेंगे सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सी को समझते हैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ ह्यूमन न्यूरो सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन सेंट्रल न्यूरो सिस्टम जो है वो आपके बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट सेंट्रल एक्सिस पे ठीक है अलाइंट है देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट है एक है ब्रेन एक है स्पाइनल कॉर्ड ठीक है ये रहा हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से यहाँ से निकल रही है ना ठीक है ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा क्या है ब्रेन है ये दोनों मिलकर क्या बनाती है सी बनाती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के दोनों पीछे की तरफ यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे अलाइंड है सेंट्रल एक्सिस सिचुएटेड एट सेंट्रल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी इसलिए नाम पड़ गया सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ठीक है अच्छा इन दोनों का काम क्या है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं तो अगर मैं आपसे पूछ लू इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है हमारे बॉडी में तो ये क्या करती है ये है साइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये क्या करती है इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करती है और हमारे बॉडी को उसी हिसाब से कंट्रोल भी करती है कुछ समझ में नहीं आया नहीं आया ना मुझे पता नहीं आया होगा अब समझ में आएगा देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल मान लो ये आपका बॉडी है आपके बॉडी के पास एक इंफॉर्मेशन गया ठीक है एक इंफॉर्मेशन रिसीव किया ठीक है और ये इंफॉर्मेशन जो है ये गया कहाँ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गया ठीक है अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके फंक्शन को समझो ये क्या करेंगी प्रोसेसिंग करेगी उस इन्फॉर्मेशन का जो इन्फॉर्मेशन गया है ना इस सी एन एस के पास उस इफॉमेसेशन की प्रोसेसिंग की जाएगी समझा जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आया है ठीक है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन की जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो जो सी एन एस है वो क्या करेगा सिग्नल्स को जनरेट करेगा जैसी सी के पास इन्फॉर्मेशन गया उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई और जैसा वो इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पे सिग्नल को जनरेट किया गया और वही सिग्नल कंट्रोल करेगा आपके बॉडी को ठीक है जैसा इन्फॉर्मेशन आप सी को भेजोगे उसी तरीके से प्रोसेसिंग की जाएगी और उसी तरीके से सिग्नल जनरेट की जाएंगे और उसी तरीके से आपके बॉडी को कंट्रोल की जाएगी ठीक है तो क्या होता है सी एन एस जनरेट द सिग्नल्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल द बॉडी According टू द information रिसीव्ड क्लियर है ठीक चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा कोई फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं चलिए <laughs> आगे देखते मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल क्यों बोला क्योंकि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल एक्सिस पे सिचुएटेड होता है अच्छा काम क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल तो ये तो हमने सी के बारे में देखा अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं यानी कि पी के बारे में जानते हैं सुनिएगा बहुत ज़रूरी है पी जो है ये कम्पोज है बना होता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स का इट इज़ कम्पोज ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स दो टर्म आई क्रेनियल एंड स्पाइनल ठीक है होता क्या है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स देखिए ये आपका ब्रेन है ठीक है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स ओरिजिनेट होती है नर्व्स निकलती है ठीक है जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है ठीक है देखो यहां ब्रेन से इस तरीके से नर्व्स निकल रही है और यहां पे स्पाइनल कॉर्ड से 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 इस तरीके नर्व्स 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 निकल रही है है जो ब्रेन निकलती उन्हें हम कहते हैं कोई आपसे पूछ ले नंबर बताओ कितने क्रेनियल ब्रेन से निकलता है तो ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन ठीक है और राइट और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहां से जो नर्व्स निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स टोटल नंबर कितना होता है थर्टी वन पेयर्स यहां पर मैं थर्टी वन बना के दिखा तो नहीं सकता बड़ा ही मेसी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं जितना हो सके समझाने के लिए आपको बना दिया ये क्या निकल रही है नर्व्स निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो नाम पड़ गया स्पाइनल नर्व्स टोटल थर्टी वन पेयर्स ठीक तो यही क्रेनियल नर्व्स जो नर्व्स है क्रेनियल नर्व्स और ये जो स्पाइनल नर्व्स है ठीक है ये ठीक यही क्या करती है बनाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम को ठीक है अब यहां पे टर्म आया नर्व्स नर्व्स क्या होते हैं नर्व्स क्या होते हैं समझो देखो नर्व्स क्या करते हैं इट इज ऑफ इट फॉर्म्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन नर्व्स का काम क्या है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और आपके ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ना ऑर्गन बोल लो या मसल्स बोल लो ठीक है ऑर्गन बोल लो या मसल्स बोल लो ऑर्गन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करती है नर्व्स ठीक है यहाँ पर ये क्या है आपका ब्रेन है ठीक है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा और इससे ये जो नर्व्स निकली क्रेनियल नर्व्स ये क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. तो ये क्रेनियल नर्व्स जो है ये क्या करेगी आपके ब्रेन को एक ऑर्गन के साथ जोड़ेगी ठीक है कम्युनिकेशन बनाएगी ऑर्गन के साथ ऑल right, बात समझ में आई ठीक तो देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो ऑर्गन है उसके बीच में इंफॉर्मेशन को अगर रिले करना है इन्फॉर्मेशन का अगर कंडक्शन करना है यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो वो नर्व्स से ही हो पाता है ठीक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सी का हिस्सा ब्रेन और स्पाइनल uh, कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स पी का हिस्सा ठीक चलिए आगे देखिए अच्छा नर्व्स होती क्या है नर्व्स क्या कराती है वो तो हमें समझ में आ गया इट फॉर्म्स कम्युनिकेशन बिटवीन सी एन एस एंड ऑर्गन लेकिन अगर आपसे मैं पूछूँ नर्व्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्जॉन या नर्व फाइबर ठीक है आगे चल के मैं आपको ना न्यूरोन्स के बारे में पढ़ाऊँगा ठीक है न्यूरोस के बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा न्यूरस जो होता है वो तीन हिस्सों में बटा होता है ठीक है उसका एक सेल बॉडी होता है डेंड्राइट्स होता है और एक हिस्सा होता है एग्जॉन यहाँ पर देखो ये मैंने न्यूरॉन बनाया ये क्या है एक न्यूरॉन है न्यूरॉन है न्यूरॉन का ये जो हिस्सा है ना ये जो हिस्सा इसे हम कहते हैं एग्जॉन या फिर इसे नर्व फाइबर भी कहा जाता है इसी एग्जॉन का कलेक्शन बहुत सारे एग्जॉन एक बंडल बना लिए उसे हम कहते हैं नर्व्स ठीक है बात समझ में आई एग्जॉन का एक और नाम है नर्व फाइबर ठीक तो नर्व्स क्या है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्जॉन या नर्व फाइबर बोलो कोई दिक्कत इतना कैसे बोलोगे लाइफ थोड़ी चल रहा है कमेंट सेक्शन में बोल देना रिकॉर्डिंग लेक्चर है ना कमेंट सेक्शन में बोलना जहां जहाँ दिक्कत आएगी ना वहाँ वहाँ वैसे पूछ लेना कि सर ये बताओ क्योंकि अभी देखो इंट्रोडक्श इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है ना वहाँ पे बच्चों को डाउट आती है ठीक है क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर आपको शुरू शुरू में डाउट आएगा और डाउट को क्लियर कर लोगे ना तो आगे बड़े ही अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा लेकिन शुरू शुरू वाले डाउट्स को आप अगर नज़रअंदाज कर दोगे तो आगे और भी डाउट्स बनती जाएगी तो अभी जैसी डाउट आएगी पूछ लेना ठीक चलिए तो अब यहाँ पर देखिए ये जो नर्व फाइबर है ना नर्व फाइबर ठीक है अब थोड़ा हम नर्व फाइबर के बारे में बात करेंगे देखिए इन पी एन एस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व फाइबर्स को भी सीरियसली समझते हैं ठीक है वी टॉक अबाउट नर्व फाइबर्स विच आर क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स ठीक है पी एन एस के अंदर हम बेसिकली नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स यही मिलकर पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम बनाती है और पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम में हम नर्व फाइबर्स के बारे में भी चर्चा करते हैं जो कि दो टाइप्स में क्लासीफाइड है ठीक है क्या क्या है वो दो टाइप्स एक है एफरेंट नर्व फाइबर्स और एक है एफरेंट नर्व फाइबर्स एफरेंट मतलब सेंसरी नर्व फाइबर्स एफरेंट मतलब मोटर नर्व फाइबर्स एफरेंट का एक और टर्म सेंसरी एफरेंट का एक और टर्म मोटर ठीक है अब देखिए काम क्या है दोनों का ऑर्गन से सीएनएस तक ऑर्गन से लेके सीएनएस तक अगर इंपल्स को भेजना है अगर आपको कोई इंपल्स बोले तो इंफॉर्मेशन ठीक है अगर कोई इंफॉर्मेशन या सिग्नल ठीक है उसी को हम कह रहे हैं इम्पल्स अगर आपको भेजना है ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो वो कैसे जाएगा वो जाएगा सेंसरी नर्व फाइबर्स के द्वारा एफरेंट नर्व फाइबर्स के द्वारा ठीक है ऑर्गन से सी और अगर आपको सी से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई ऑर्गन के तरफ कोई इन्फॉर्मेशन या इम्पल्स भेजना है मान लो ब्रेन को एक ऑर्गन के तरफ क्या भेजना है इम्पल्स भेजना है तो वो मोटर नर्व फाइबर से हो पाएगा और एक ऑर्गन को अगर ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक एक इन्फॉर्मेशन या इम्पल्स को भेजना है तो वो एफरेंट नर्व फाइबर से होकर जाएगा ठीक है नर्व फाइबर्स हम किसके अंदर पढ़ते हैं पीएनएस के अंदर ठीक है फिर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हम किसके अंदर पढ़ते हैं पीएनएस के अंदर सीएनएस के, के अंदर तो हम बस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा करते हैं इतनी बात समझ में आई ठीक चलिए अब सुनिए थोड़ा मैं आपको मसल के बारे में एक फैक्ट बताने जा रहा हूं ठीक है देखिए अगर सीएनएस को अगर ऑर्गन किसी तरह का मान लो एक ऑर्गन है या एक मसल है ठीक है ऑर्गन भी हो सकता है या मसल भी हो सकता है उसको अगर इंपल्स भेजना है सीएनएस तक तो वो कैसे भेजेगा किसके द्वारा भेजेगा सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा या मान लो एक सी एन एस है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है उसको अगर इन्फॉर्मेशन भेजना है ऑर्गन या मसल के तरफ तो किसका किसके मदद से भेज पाएगा मोटर नर्व फाइबर्स के द्वारा ठीक चलिए तो अब सुनिए जो मसल जो होते हैं ना मसल वो दो तरह के होते हैं बेसिकली बेसिकली अभी ज्यादा मैं आपको लोगों मोशन एंड मूवमेंट नहीं समझा रहा हूँ अगर। वो वाला चैप्टर में उसमें स्केलेटल मसल स्मूथ मसल उसकी चर्चा करेंगे अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हो मसल जो है बेसिकली दो तरह के हैं एक स्केलेटल मसल और एक स्मूद मसल एक स्केलेटल मसल एक स्मूद मसल स्केलेटल मसल वॉलेंटरी मसल होते हैं इनको आप अपने विल पावर से कंट्रोल कर सकते हो लेकिन स्मूद मसल इन वॉलेंटरी मसल होते हैं इनको अपने विल पावर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते विल पावर मतलब इच्छा शक्ति जैसे आपका जो बाइसेप्स है स्केलेटल मसल है ऐसे जिम में जाते हो बॉडी बनाते हो ऐसे फ्लेक्स करते हो जैसे अपने बाइसेप्स को टाइट करते हो आपकी मसल्स टाइट हो जाती है तो आपने मसल को क्या किया अपने विल पावर से कंट्रोल कर लिया अपने बाइसेप्स को अपने ट्राइसेप्स को लेकिन अगर आप, आपका लीवर है उस लीवर में स्मूद मसल्स पाई जाती है क्या आप अपने हिस्से से अपने मन से अपने विल पावर से लीवर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो क्या जब मन लीवर को आप, आप स्क्वीज करवा लिए जब मन लीवर को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए मतलब मूवमेंट करा लिए आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो लीवर में स्मूथ मसल है स्मूथ मसल को आप अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो लीवर एक विसरल ऑर्गन है एक विसरल ऑर्गन है उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती है और स्मूथ मसल जो होती है इनवॉलेंटरी होती है आप चाह कर भी स्मूथ मसल को नहीं कंट्रोल कर पाओगे लेकिन क्या आप स्केलेटल मसल को कर पाओगे अरे हाँ जब मन किया तब बाइसेप्स दिखा दिया ठीक है बाइसेप्स के मसल्स है ना यहाँ पे जब मन किया ट्राइसेप्स दिखा दिया ठीक टाइट कर लिया एकदम मसल्स को ठीक चलिए तो मसल के बारे में हमने एक बेसिक आइडिया लिया अब देखो अब सुनो ये तो कॉन्सेप्ट था अब इसको मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इसका मतलब समझू अगर अगर इन्फॉर्मेशन सी से स्केलेटल मसल या सीएनएस से स्मूथ मसल के बीच में रिले होने वाला है तो उसके बेसिस पे कि कौन सा मसल के बीच में इंफॉर्मेशन रिले होगा उसके बेसिस में पीएनएस दो तरह के होते हैं पीएनएस क्या होते हैं दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग कि किस मसल्स और मतलब कौन से तरह के मसल्स के साथ सी एन एस के सीएनएस का जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा अरे छोड़ो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते अपने आप समझ में आ जाएगा यहां पर आपको मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं समझ में आएगा सुनो मसल कितने तरह के होते हैं स्केलेटल मसल स्मूथ मसल स्केलेटल मसल वॉलेंटरी स्मूथ मसल इन इतना समझ में आ गया चलिए अब अगले स्लाइड में बढ़िए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब सुनिए मसल वाला कॉन्सेप्ट याद है पीएनएस जो है वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम एस एन एस ए एन एस पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम को हमने दो पार्ट में क्यों बांटा देखो अगर इंपल्स का कंडक्शन सीएनएस और स्केलेटल मसल के बीच में होगा ठीक है तो हम कहेंगे सोमैटिक न्यूरो सिस्टम है वो सोमैटिक न्यूरो सिस्टम में क्या होता है इंपल्स का कंडक्शन होता है बिटवीन सीएनएस एंड स्केलेटल मसल और यहाँ पर मतलब देख लो इस तरीके से ये आपका सी है और इस बार यहाँ पर क्या है स्केलेटल मसल है सी और स्केलेटल मसल के बीच में क्या हो रहा है इन्फॉर्मेशन की दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक है स्केलेटल मसल से अगर सी को कुछ इंफॉर्मेशन या इम्पल्स भेजना होगा तो सेंसरी नर्व फाइबर मदद करेगी आपको पता है ठीक है और अगर सी एन से कोई इम्पल्स स्केलेटल मसल तक भेजना होगा तो मोटर नर्व फाइबर उसमें हेल्प करेगी ठीक है आपका बाइसेप्स जो है यहाँ पर ये एक स्केलेटल मसल है और यहाँ पर आपका सी ब्रेन स्पाइनल कॉड ठीक है तो अगर देखो इन्फॉर्मेशन जो है कंडक्शन जो है इम्पलसेज का वो हो रहा है सी एन एस और स्केलेटल मसल के बीच में तो हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या होता है सी एन एस एंड स्केलेटल मसल के बीच में कंडक्शन होता है इम्पलसेज का ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या है अगर कंडक्शन हो रहा है इम्पलसेज का बिटवीन सी एन एस एंड स्मूद मसल सी एन एस एंड स्मूद मसल ठीक है सी एन एस और स्मूद मसल जैसे आपके लिवर में पाया जाता है स्मूद मसल लिवर क्या है एक विसरल ऑर्गन है ठीक है विसरल ऑर्गन है यहाँ पर मान लो ऐसे स्मूथ मसल प्रेजेंट है ठीक है स्मूथ मसल प्रेजेंट है ठीक तो अगर स्मूथ मसल और सी के बीच में ठीक है अगर स्मूथ मसल से सी तक किसी इम्पल्स को भेजना है तो अगेन मसल से सी तक जा रहा है तो सेंसरी नर्व फाइबर और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल तक ठीक है स्मूथ मसल बोल लो या ऑर्गेन बोल लो यहाँ पर अगर जा रहा है इम्पल्स तो इसमें मदद करेगी कौन मोटर नर्व फाइबर समझ में आया बताओ पीएनएस को किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया समझ में आया एक बार पिछला स्लाइड देखो ये देखो वापस से एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व क्या है मैंने आपको बता दिया नर्व्स क्या करती है कम्युनिकेशन बनाती है सी एन ऑर्गन के बीच में से ऑर्गन बोल लो या मसल बोल लो इनके बीच में क्या करती है कम्युनिकेशन uh, फॉर्म करती है कौन नर्व्स ठीक है ओके चलिए अच्छा नर्व्स क्या होती है सर नर्व्स होते हैं कलेक्शन ऑफ एग्जॉन या नर्व फाइबर ठीक है ये एग्जॉन बहुत सारे एग्जोन का एक बंडल बना दो नर्व बन गया ठीक अच्छा नर्व फाइबर देखो नर्व फाइबर भी हम पीएनएस के अंदर नर्व फाइबर के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं नर्व फाइबर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं एक होता है एफरेंट या सेंसरी नर्व फाइबर ये क्या करता है अगर ऑर्गन या मसल मसल है या ऑर्गन है इससे अगर इम्पल्स को भेजना है सी तक तो उसमें सेंसरी नर्व फाइबर मदद करती है और अगर सी एन से ऑर्गन या मसल के तरफ लेट से ऑर्गन भी हो सकता है या मसल भी हो सकता अगर है अगर भेजना तो है इम्पल्स तो एफरेंट या फिर मोटर नर्व फाइबर्स करती है फिर मैंने आपको मसल्स के बारे में पढ़ाया स्केलेटल मसल स्मूथ मसल स्केलेटल मसल वॉलेंटरी होती है स्मूथ मसल इन होती है इसके बाद हम इस स्लाइड में आ गए और हमने कहा कि अगर सी और स्केलेटल मसल के बीच में कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का तो हम कहते हैं उसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ठीक है और ऑटोनोमिक न्यूरो सिस्टम क्या होता है अगर सीएनएस और स्मूथ मसल के बीच में कंडक्शन हो रहा है ठीक तो पेरीफेरल न्यूरो सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ कि सीएनएस और कौन से पर्टिकुलर मसल के बीच में कंडक्शन हो रहा है अगर सीएनएस और स्केलेटल मसल के बीच में हो रहा है तो वो हो गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सोमेटिक न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम के अंदर आता है ऑटोनोमिक न्यूरो सिस्टम भी पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम के अंदर आता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है ऑटोनोमिक न्यूरो सिस्टम में सर सीएनएस और स्मूथ मसल के बीच में कंडक्शन हो रहा है इंपल्सस का ठीक है कम्युनिकेशन हो रहा है रिले किया जा रहा है सीएनएस से स्मूथ मसल के तरफ स्मूथ मसल से सीएनएस के तरफ ठीक है और अगर सी एन एस से स्केलेटल मसल के तरफ आपको इंपल्स भेजना है तो मोटर नर्व फाइबर और स्केलेटल मसल से स्केलेटल मसल से अगर सी एन एस तक भेजना है तो सेंसरी नर्व फाइबर अगेन सीएनएस से अगर आपको स्मूथ मसल के तरफ भेजना है तो वही मोटर नर्व फाइबर ठीक और अगर स्मूथ मसल से सीएनएस के तरफ भेजना है तो आपका सेंसरी नर्व फाइबर ठीक है ओके चलिए अब एक और छोटू सा क्लासिफिकेशन है उसको भी जान लेते हैं तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनिएगा ऑटोनोमिक न्यूरो सिस्टम किसका पार्ट है पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का पेरीफेरल न्यूरो सिस्टम को अपना दो पार्ट में बांटा बांटाना एक सोमैटिक एक ऑटोनोमिकटोनोमिकव्यूरल सिस्टम सुनिए इसके दो पाथवे होते हैं एक होता है एफरेंट या मोटर पाथवे एक होता है एफरेंट या सेंसरी पाथवे एफरेंट या मोटर पाथवे कौन सा पाथवे वो पाथवे जहां जिसके मदद से सी एन एस से स्मूथ मसल के तरफ इम्पल्सेस को भेजा जाता है तो उस पाथवे को हम कहते हैं एफरेंट पाथवे ठीक है एफरेंट पाथवे से होता ही हुआ सी एन एस से स्मूथ मसल तक क्या जाता है इम्पल्स जाता है तो इसलिए हम और इसमें मदद कौन करती है मोटर नर्व फाइबर तो हम कहते हैं मोटर पाथवे भी बोल लो या एफरेंट पाथवे बोल लो अच्छा एफरेंट पाथवे क्या होता है अगर स्मूद मसल को सी तक इम्पल्स भेजना है तो वो भेजा जाता है थ्रू एफरेंट या सेंसरी पाथवे जिसमें सेंसरी नर्व फाइबर मदद करती है एक तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के दो पाथवे जो एफरेंट वाला पाथवे है ना एफरेंट वाला पाथवे एफरेंट ये मोटर पाथवे जब जहां पर स्मूथ मसल के तरफ भेजा जाता है इम्पल्स को ये जो एफरेंट पाथवे ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक पैरासिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम बस इतना ही याद रखना है ठीक है अरे क्या हो गया छोड़ो बस आपको इतना ही याद रखना है ठीक जो ऑटोनोमिक न्यूरो सिस्टम है उसके दो पाथवे हैं एफरेंट और एफरेंट ठीक है ओके okay? और जो एफरेंट पाथवे वो फर्दर दो न्यूरो सिस्टम में डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक क्या है ये आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे धीरे धीरे चर्चा करेंगे एक ही लेक्चर में सब चीज़ थोड़ी समझा सकता हूँ मैं आपको समझा सकता हूँ अगर मैं वन शॉट बना दूँ तो हाँ लेकिन वन शॉट में मैं तो भाई बना के निकल जाऊँगा लेकिन आपको डिटेल में नहीं समझ में आएगा वन शॉट इज़ लाइक रिविज़न लेक्चर राइट बट हम यहाँ रिवाइज़ नहीं करने बैठे हम यहाँ चैप्टर को समझने बैठे एक बार जब चैप्टर को समझ लेंगे नो no डाउट मैं आगे वन शॉट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि भाई तुम्हारा भी देखो फायदा हो जाता है रिवीजन हो जाता है और व्यूज़ सबसे ज़्यादा वन शॉट पे ही आते हैं क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए तो मेरा भी फायदा हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ ना व्यूज़ की बात तो बाद में है बाद में फेमस हो जाएंगे जो होना है वो ना है। पहले एक बार डिटेल में पढ़ा देता हूँ ठीक है फिर उसके बाद वन शॉट बनाकर मैं भी व्यूज़ खूब उठाऊँगा अपने चैनल पे। पर बट फर्स्ट चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझो डीप में समझो डेप्थ में समझो ठीक चलिए तो यहाँ पर हमने ह्यूमन न्यूरो सिस्टम कंप्लीट किया ठीक है मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय थैंक यू टेक केयर